सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ खास या कुछ खास ही पढ़ेंगे। क्यों खास पढ़ेंगे वो भी हमको जानना चाहिए। अगर क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा होगा, मीन्स आ गया होगा कि फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में जो स्ट्रगल्स हुआ है फॉर गवर्नेंस इन इंडिया। सो गवर्नेंस मीन्स इंडिया में जैसे रूल करने के लिए फ्रेंच एंड इंग्लिश जो झगड़ा लड़े थे, बैटल्स लड़े थे, कैनेटिक वार्स लड़े थे, वो सारा डिस्क्राइब करेगा एक ही क्वेश्चन में। क्यों फ्रेंच कमांडर्स एंड इंग्लिश के बीच में कुछ संपर्क, मीन्स फ्रेंच कमांडर्स जो भी होते थे वो क्यों स्ट्रांग नहीं बन पाए, क्यों अपना रूल नहीं कर पाया इंडिया में? अगर फ्रेंच किए रूल करे तो उनके लिए कौन सा डिफेक्ट बन गया कि वो फ्रेंच रूल इंडिया में नहीं हो पाया, वही हम इस क्वेश्चन के दौरान हम पढ़ेंगे। अगर देखें द 28th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द फेलर ऑफ कोर्ट डी ला, मीन्स काउंट डी ला के अनुसार काउंट डी ला क्यों फेल मार गया इंडिया में, क्यों फेल मार गया, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द फ्रेंच कमांडर अगेंस्ट द इंग्लिश, अगर देखे तो द फ्रेंच कमांडर अगेंस्ट द इंग्लिश। सो काउंट डी ला क्यों फेल मार गया फ्रेंच कमांडर के पास, जो कि इंग्लिश कमांडर सक्सेस हो गए। सो ये सारा रीजन्स आपको दिया गया है। पहला रीजन देखे तो द इंग्लिश हैविली ब्राइम्ड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रेंच ऑफिसर। इसका मतलब ये है कि फ्रेंच ऑफिसर को ब्राइम दिए, आई मीन्स एक्स्ट्रा मनी दिए, एक्स्ट्रा पे कर दिए उनके पास रहने के लिए और उनका सपोर्ट देने के लिए। तो फिर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 रॉन्ग ऑप्शन, लेकिन होता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता था। और फ्रेंच ऑफिसर जो कि होते थे वो उतना ज़्यादा ब्राइब नहीं लेते थे, लेकिन बहुत कम लेते थे। लेकिन काउंट डी लाल के लिए वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अगर सेकेंड नंबर देखें तो द फ्रेंच वेयर इन्फेरियर टू द इंग्लिश इन द नेवल स्ट्रेंथ, एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो भी है वो नेवल में बहुत बड़ा सोल्डर थे, नेवल ऑफिसर जो भी होते थे बहुत स्ट्रांग रहते थे, अपना योगदान देते थे, हर एक नेवल ऑफिसर बहुत स्ट्रांग कमांडिंग करते थे, तो इसीलिए वो फेल मार गया, इसीलिए फ्रेंच ऑफिसर्स फेल हो गए नेवल स्ट्रेंथ में। द होम अथॉरिटी इन फ्रेंच डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग पॉलिटिकल पावर इंडिया। इसका मतलब यही है कि जो कि होम अथॉरिटी है, मीन्स मेन ब्रांच जो भी फ्रेंच में होता था, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया करने के, या फिर गवर्नेंस ऑफ इंडिया करने के लिए, या फिर इंडिया को रूल करने के लिए वो उतना ज़्यादा रूल मीन्स ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए वो फेल मार गया काउंट डी ला। उसके बाद फोर्थ जो कि है, देर वॉज डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंच कमांडर्स ऑफ लैंड एंड सी फोर्सेज। ये बहुत ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि जो लैंड में जैसे कमांडिंग करते थे, लैंड में जितना पावर होता था लेकिन सी रूट में वो कम हो जाएगा। सी रूट में क्या होगा, मीन्स सेलिंग करना है, उसके बाद फाइटिंग करना है, उसके बाद बैटल लड़ना है, वो सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, 2, 3 एंड 4, जो कि पहला नंबर ऑप्शन गलत है। समझ आ गया होगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। धन्यवाद।